अमरूद भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले फलों में से एक है। इसके लिए गर्म और शुष्क जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यही कारण है कि भारत में अमरूद इतना घुल मिल गया है कि देश के अधिकांश हिस्सों में अमरूद की खेती आसानी से की जा रही है। अमरूद को गरीबों का सेब भी कहा जाता है। जी हाँ, सर्व सुलभता के कारण अमरूद के पेड़ आपको लोगों के घरों में दिख जाएंगे। इतना ही नहीं, पाचन से संबंधित समस्या हो या फिर पेट की समस्या, अमरूद के सेवन को लाभकारी माना जाता है। अमरूद में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसके कई सारे स्वास्थ्य से जुड़े फायदे हैं और इनके बारे में आज हम बात करेंगे आज के कृषि विशेष में। नमस्कार, मैं हूँ मोनालिसा, स्वागत करती हूँ आप सभी का दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कृषि विशेष में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे अमरूद की खेती और इसके कारोबार के बारे में, साथ ही जानेंगे स्वास्थ्य से जुड़े इसके फायदों के बारे में। अमरूद मित्सी कुल का पौधा है। पूरे भारत में अमरूद इतना लोकप्रिय है कि आम तौर पर लोग इसे भारत का ही फल मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उष्णकटिबंधीय अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई है। उत्पादन के मामले में पूरे विश्व में भारत पहले पायदान पर है। तो आइए आपको बताते हैं अमरूद से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। अमरूद एक ऐसा फल है जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ सेहत के लिए भी काफी गुणकारी होता है। इस फल में कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है और कोलेस्ट्रॉल ना के बराबर होता है। इस गुण के कारण अमरूद का फल वजन कम करने में मदद करता है। शुगर की मात्रा कम होने के कारण अमरूद का फल डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद लाभदायक है। पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण अमरूद को गरीबों का सेब भी कहा जाता है। गुणों के मामले में अमरूद को सेब से भी अच्छा माना जाता है। अमरूद का फल उपयोगी होने के साथ साथ इसकी पत्तियों में भी औषधीय गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अमरूद की पत्तियों को चबाने से दांत को आराम मिलता है और इसकी पत्तियों में फिटकरी मिलाकर कुल्ला करने से दांत दर्द में राहत मिलती है। अगर आपको उल्टियां हो रही है तो अमरूद के उपयोग से आप उल्टियां रोक सकते हैं। अमरूद के पत्तों का काढ़ा 10 मिलीलीटर पिलाने से उल्टी बंद हो जाती है। सुबह अमरूद को नाश्ते में काली मिर्च, काला नमक और अदरक के साथ खाने से बदहजमी, खट्टी डकारे, पेट फूलना व कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। इसे खाने से भूख भी बढ़ने लगती है। अमरूद का मुरब्बा कब्जियत को दूर करने का अचूक उपाय है, क्योंकि अमरूद में लैक्सटिव का गुण पाया जाता है जो कि कब्ज को दूर भगाने में मददगार है। अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है तो अमरूद का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि अमरूद में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अमरूद के पत्तों का सेवन त्वचा के निखार में भी उपयोगी होता है। 5 से 10 ग्राम अमरूद के पेड़ की छाल के चुरझा को अमरूद के काढ़े के साथ सेवन करने से बवासीर के कारण होने वाले रक्तस्राव में फायदा मिलता है। ये फल पेट की शिकायतों को भी दूर करने में काफी उपयोगी माना जाता है। अमरूद के पत्ते के काढ़े का सेवन करने से मस्तिष्क विकारों एवं किडनी की जलन का शमन होता है। अमरूद के पत्ते के अर्क या टिंचर को बच्चों की रीढ़ की हड्डी पर मालिश करने से ऐंठन कम होता है। इसके अलावा अमरूद में मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम हमारे दिल को स्वस्थ रखता है। अमरूद खाने से ट्यूमर का खतरा कम हो जाता है। अमरूद खाने से लाइकोपीन जैसे कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। अमरूद की खेती के बारे में बात करें तो 1990-91 में अमरूद का जो रकबा था और जो अमरूद का आज का रकबा है, अमरूद का जो क्षेत्रफल था, अमरूद का जो उत्पादन था, वो 4 गुना बढ़ चुका है। तो आप लोगों को भी एक जानकारी सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि जब कोई किसी फल वृक्ष का रकबा 4 गुना बढ़ रहा है, उसका उत्पादन भी 4 गुना बढ़ चुका है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से किसान भाइयों को इसकी आय बहुत अच्छी हो रही है। अमरूद का फल वृक्ष अपने आप में एक 12 महीने दूध देने वाली गाय जैसा है। इसकी आपको खेती करने के लिए कुछ मुख्य बातों की जानकारी ध्यान से रखनी है। सबसे पहले अमरूद में प्रजाति का चयन, अमरूद की कौन सी प्रजाति लगाएं जिससे कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सके, और वो प्रजातियां कहां से लें। अमरूद की सबसे ज़्यादा रकबे में होने वाली वैरायटी है सरदार, जिसको L49 भी कहते हैं, और उसके साथ साथ अलाहाबाद सफेदा। इसके साथ साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भी अभी अमरूद की 2 प्रजातियों की संस्तुति की है, पूसा प्रतीक्षा और पूसा आरुषि। इसके साथ साथ अमरूद की ललित, श्वेता,
हिसार सफेदा, हिसार सुर्खा, इस क्षेत्र की अच्छी प्रजातियां हैं। इस क्षेत्र के लिए ये प्रजातियों की संस्तुति की गई है। अमरूद क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छा है, विटामिन सी बहुत अच्छा है, इसके सीड्स में बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं, इसमें विटामिन्स बहुत अच्छे होते हैं, इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी वन, फाइबर, और ये सारा इसको सुपर फूड बनाता है। ये कब्ज से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, आपकी आंखों से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उन सब में अमरूद का प्रयोग होता है। आप देखेंगे अमरूद की ये जो ऊपर की ये एपिकल बर्ड है, इसको खाने से बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। अमरूद की छाल कई बार कई त्वचा संबंधित विकारों में अमरूद की छाल का लेप बना के भी लोग प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अमरूद को और फलों से हटके अपने आप को सिद्ध करती हैं। इन्हीं के कारण अमरूद की बहुत अच्छी डिमांड भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आप सोचेंगे कि हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं अमरूद की खेती में, हम दुनिया में प्रथम स्थान रखते हैं अमरूद की खेती में, और किसान भाइयों को इसका लाभ मिल रहा है, इसी कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अमरूद का एक्सपोर्ट भी बहुत सारे गल्फ कंट्रीज़ में हो रहा है, अमरूद का जितने भी अपने एशियन सब कंटिनेंट की जो अपने देश हैं उन सब में अमरूद का यहाँ से एक्सपोर्ट होना भी शुरू हो गया है। अमरूद उष्ण और उपोष्ण जलवायु का फल है। इसके पौधे सूखे से कम प्रभावित होते हैं, लेकिन इन पर पाले का असर पड़ता है। अमरूद की सफल खेती के लिए 23 से 28 डिग्री सेल्सियस का तापमान उत्तम माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कि अमरूद की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी और जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। अमरूद का प्रवर्धन बीज एवं वानस्पतिक विधियों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। अमरूद के सरदार किस्म के बीज सूखे को सहने योग्य होते हैं और इन्हें जड़ों के द्वारा पनीरी तैयार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके पूरी तरह पके हुए फलों में से बीज तैयार करके उन्हें बैंड या नर्म क्यारियों में अगस्त से मार्च के महीने में बीजना चाहिए। क्यारियों की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर होनी चाहिए। बिजाई से 6 महीने बाद पनीरी खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाती है। मई से जून तक का समय कलम विधि के लिए अनुकूल होता है। नए पौधे और ताजी कटी टहनियों या कलमे अंकुरण विधि के लिए प्रयोग की जा सकती है। पौधों की मजबूती और सही वृद्धि के लिए कटाई और छटाई की आवश्यकता होती है। जितना मजबूत बूटे का तना होगा उतनी ही पैदावार अधिक और अच्छी गुणवत्ता वाली होगी। बूटे की उपजाई क्षमता बनाए रखने के लिए फलों की पहली तुड़ाई के बाद बूटे की हल्की छटाई करना जरूरी है। इसके अलावा सूख चुकी और बीमारी आदि से प्रभावित टहनियों की कटाई लगातार करनी चाहिए। बूटे की कटाई हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करनी चाहिए। कटाई के बाद नई टहनियों के अंकुरण में सहायता मिलती है। एवं उर्वरक की मात्रा इत्यादि पौधे की उम्र एवं किस्म पर निर्भर करती है कि पौधों को यदि संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक दिए जाए तो निश्चित रूप से पौधों की अच्छी बढ़वार एवं उत्पादन के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता वाले फल भी प्राप्त किए जा सकते हैं। जहां तक संभव हो मृदा जांच के उपरांत ही खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। देसी खाद की पूरी और यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की आधी खुराक को मई से जून और दोबारा सितंबर से अक्टूबर महीने में डालनी चाहिए। अमरूद के पौधे की पहली सिंचाई पौधा लगाने के तुरंत बाद और दूसरी सिंचाई तीसरे दिन करें। इसके बाद मौसम और मिट्टी की किस्म के हिसाब से सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अच्छे और तंदुरुस्त बागों में सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। नए लगाए गए पौधों को गर्मियों में सप्ताह बाद और सर्दियों के महीने में 2 से 3 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। को अमरूद के खेतों को अच्छे से समतल करके, जुताई करके, लेवल करके ये देख लेना है कि अमरूद के जिस खेत में आप अमरूद लगाने वाले हैं उसमें कहीं पानी ना भरता हो। दूसरी चीज का ध्यान रखें कि अमरूद की जो दूरी है, अमरूद एक ऐसा फल वृक्ष है जो कि सघन बागवानी के लिए बहुत उपयुक्त है। अमरूद की जो दूरी है वो 3x3 मीटर या 4x4 मीटर पे आपको अमरूद का पौधा लगाना है। इससे करीब आपके पास में अगर आप 3x3 मीटर की दूरी पे लगाते हैं तो करीब 1100 पौधे प्रति हेक्टेयर आपको लग जाएंगे। इसके लिए आपको अमरूद के जो गड्ढों का साइज है कम से कम 75 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा, उतना ही चौड़ा गड्ढा आपको खोदना है। उस गड्ढे की मिट्टी निकालते समय ध्यान रखें कि ऊपर के 40-50 सेंटीमीटर की मिट्टी एक साइड रख दें और बाकी की मिट्टी एक साइड रख दें। कृषि विज्ञान केंद्र, NHB से एक्रेडिटेड नर्सरीज, ICR के जितने भी संस्थान है वहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर पे काम कर रहे हैं या कृषि विश्वविद्यालय, उनके पास में जो आपके पास पौध उपलब्ध है उन्हीं संस्थानों से आपको वो पौध लेनी है। पौध लेते समय आपको ध्यान रखना है कि जब अमरूद के पौधा लगाने जाएं
कोशिश करें कि अमरूद के पौधे को शाम के समय लगाएं, यानी 3 बजे के बाद अगर लगाएंगे तो उससे बहुत राहत होती है, अमरूद के पौधों में ट्रांसप्लांटिंग शॉक कम लगता है। उसके बाद पौधा लगाने के बाद आपको ध्यान दें कि पौधे की जो मिट्टी की पिंडी है, अगर आपके पास कोई ऐसा आपके उसमें जहाँ से आपने पौधा खरीदा है वहाँ पे उस क्षेत्र में उकठा की समस्या है, तो ध्यान रखें कि आपको वहाँ पे बाबस्टीन के 2% घोल से उस मिट्टी के उस पिंड को भी उपचारित करना है और फिर अमरूद के पौधे को आपको लगाना है। अमरूद का पौधा लगाने के बाद में आपको उस पिंडी को अच्छी तरह से दबा देना है और उसके बाद में शाम को कोशिश करें कि जितने भी पौधे लगाएं उनमें थोड़ा सा आप पानी लगा दें। अमरूद के पौधे में ट्राइकोडर्मा का बहुत अच्छा रोल है, एजोस्पर्म का बहुत अच्छा रोल है, तो अगर हो सके तो आपको वहाँ पर जो फायर फर्टिलाइजर हैं उनका भी अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद साथ में मिला के मिक्सिंग करके उसमें भी उसको साथ में मिट्टी के साथ में डाल दें, तो जिससे कि शुरुआत के तौर पे अमरूद की जो जरूरत है उस पौधे की पूरी हो जाएगी। अमरूद से जुड़ी हुई कुछ और अहम बातें आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल कृषि विशेष में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। संस्थान यूं ही नहीं बनते, ये श्रेष्ठ बनते हैं शिक्षा से, समाधान से, संरक्षण, उपचार और अनुसंधान से। किसानों की समस्या हो या फिर पशुपालन की या फिर कृषि उद्यमी के उद्योग लगाने तक का सफर, आपके हर सफर में आपका हम सफर। देखिए श्रेष्ठ संस्थान हर रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 पर, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष में अमरूद से होगा मुनाफा। किसी भी पौधे को कीटों से बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर कीटों से प्रभावित फसल नहीं बचेगी तो जाहिर तौर पर अच्छी उपज भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। ऐसे में उचित कीट प्रबंधन अमरूद के बागों में किस तरह करें और अमरूद के कारोबार की क्या स्थिति है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कीट प्रबंधन के बारे में सही जानकारी किसी भी पौधे की उपज को बढ़ा देता है। अमरूद के फल पर लगने वाली मक्खी गंभीर कीट है। मादा मक्खी नए फलों के अंदर अंडे देती है, उसके बाद नए कीट फल के गुदे को खाते हैं, जिससे फल गलना प्रारंभ हो जाता है और फल पेड़ से गिर जाता है। अगर बाग में फल की मक्खी का हमला पहले होता है तो बारिश के मौसम में फसल को ना बोए, समय पर तुड़ाई करें, तुड़ाई में देरी ना करें। फेन वेलरेट 60 मिलीलीटर को 100 लीटर पानी में मिलाकर फल पकने पर सप्ताह के अंतराल पर स्प्रे करें। फेन वेलरेट के स्प्रे के बाद तीसरे दिन फल की तुड़ाई करें। मिलीबग पौधे के विभिन्न भागों में से रस चूसते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। अगर रस चूसने वाली कीटों का हमला दिखे तो क्लोरपाइरीफॉस 50 EC 300 मिलीलीटर को 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। सूखा रोग अमरूद के पौधे में लगने वाली खतरनाक बीमारी है। इसका हमला होने पर बूटे के पत्ते पीले पड़ने और मुरझाने लगते हैं। हमला ज्यादा होने पर पत्ते गिर भी जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए खेत में पानी इकट्ठा ना होने दें, प्रभावित पौधों को निकालें और दूर ले जाकर नष्ट कर दें। अगर प्रकोप अधिक हो तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 25 ग्राम को 10 लीटर पानी में मिलाकर मिट्टी के नजदीक छिड़के। पौधे के मुरझाने की बीमारी में टहनियों पर गहरे भूरे या काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, फलों पर छोटे गहरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। संक्रमण के कारण 2 से 3 दिनों में फल गलना शुरू हो जाता है। ऐसी बीमारी का पता चलने पर खेत को साफ रखें, प्रभावित पौधों के भागों और फलों को नष्ट करें, खेत में पानी इकट्ठा ना होने दें। अमरूद के पौधों से पहली उपज करीब 2 से 3 वर्ष बाद प्राप्त होती है। अमरूद के फलों को पूरी तरह पकने के बाद ही तोड़ना चाहिए। पूरी तरह पकने के बाद फलों का रंग हरे से पीला होना शुरू हो जाता है। फलों की तुड़ाई सही समय पर कर लेनी चाहिए। फलों को ज्यादा पकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पकने से फलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अमरूद की उपज किस्म, देखरेख और पौधे की उम्र पर निर्भर करती है। अमरूद के पौधे से प्रतिवर्ष 400 से 600 फल प्राप्त होते हैं, जिनका वजन करीब 125 से 150 किलो तक होता है। अमरूद उत्तरी व पूर्वी भारत में वर्ष में 2 बार फलता है, जबकि पश्चिमी व दक्षिणी भारत में अमरूद का फल 3 बार प्राप्त होता है। अमरूद के फल को पकने के बाद तुड़ाई करें और फलों को साफ करके उन्हें उनके आकार के आधार पर बांटें और पैक कर लें।
अमरूद जल्दी खराब होने वाला फल है, इसलिए इसे तुड़ाई के बाद बाजार में बेचने के लिए भेज देना चाहिए। अमरूद के फल को पैक करने के लिए फाइबर बॉक्स या अलग आकार के गत्ते के डिब्बों या बांस की टोकरियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अमरूद में प्रति पौधा मिनिमम जो न्यूनतम उत्पादन है वो प्रति पौधा 35 किलो करीब आपको तीसरी साल में शुरू हो जाएगा, जो आगे चल के 50 किलो तक जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो 45 से 50 क्विंटल तक पहुंच जाता है, 45 से 50 टन तक पहुंच जाता है आपके 1100 पौधों में, और वो बहुत अच्छा उत्पादन होता है। अमरूद के जो रेट हैं किसान भाइयों को मिल रहे हैं वो इस समय बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो अमरूद कम से कम 150 बीमारियों में रामबाण औषधि की तरह काम करता है। पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, अगर अमरूद आदमी रेगुलर अमरूद का सेवन कर रहा है तो उससे बहुत सारी रोग एवं कीट व्याधि उसकी रोगों से उसको मुक्ति मिलती है। दूसरा सबसे अच्छा कारण है, अमरूद फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। आप लोगों ने कोविड के टाइम पर विटामिन सी की इंपॉर्टेंस देखी है, वो विटामिन सी भी अमरूद का सबसे अच्छा स्रोतों में से एक अमरूद विटामिन सी का सोर्स है। इसके साथ साथ अमरूद में बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, मल्टी विटामिन होते हैं, इसके कारण अमरूद आज के टाइम पर एक सुपर फूड की तरह काम कर रहा है। तो इन सब गुणों के कारण अमरूद की जो खेती है वो बहुत अधिक लाभकारी हो गई है, इसमें लाभ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सघन बागवानी के लिए बहुत उपयुक्त फल है, रोग एवं कीट व्याधियां कम से कम हैं। जो सबसे मुख्य समस्या है वो फल मक्खी की है, अगर आपने फसल चक्र में परिवर्तन कर लिया तो आप उस समस्या से भी मुक्ति पा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि अमरूद के नीचे कभी कभी तने के पास में क्राउन रॉट की समस्या आती है, तो कापर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बना के आपको तने के पास लगाना है, क्राउन पोर्शन में लगाना है, यानी मिट्टी में जड़ और तने के बीच का जो जगह होती है उस जगह पर आपको इसको कापर ऑक्सीक्लोराइड का अच्छा घोल लगाना है, और उसके बाद उसमें मिट्टी चढ़ा देनी है। तने से सीधा पानी ना लगे तो वो भी समस्या आपकी निदान हो जाती है। तीसरी चीज, अमरूद में किसान भाई ध्यान रखें, कभी भी गहरी जुताई ना करें। अमरूद की पोषण वाली जड़ें, खाना खाने वाली जड़ें जो होती हैं वो अमरूद के तने के कैनोपी एरिया के नीचे 25 सेंटीमीटर की गहराई पर ही होती हैं। अगर हम उनमें गहरी जुताई करते हैं तो वो जो खाना लेने वाली जड़ें हैं या जो जिसको हम फीडर रूट्स कहते हैं वो डैमेज हो जाती हैं, उनमें नुकसान हो जाता है और फिर अमरूद में कई तरीके के रोग आने लगते हैं। तो बरसात की फसल में रोग एवं कीट व्याधियाँ बहुत होती हैं, उसके रेट कम होते हैं, उसके साथ साथ उसमें हमें कई टाइप के कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है अपनी फसल को कीट एवं रोग व्याधियों से बचाने के लिए। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है कि अप्रैल के प्रथम पखवाड़े और मार्च के अंतिम पखवाड़े में NCR के पूरी रीजन में अमरूद में खूब फूल आते हैं। उस समय नीचे से, क्योंकि अमरूद में जो फूल आता है वो नई प्रौढ़ों पर आता है, नए कल्लों पर आता है, तो नीचे से एक जोड़ा पत्ती छोड़ के आपको बाकी प्रौढ़ों को फूल के साथ तोड़ के वहीं अमरूद के तने के पास में छोड़ देना है। एक तो ये आपका पलवार का काम करेगा, जिसको हम अंग्रेजी में मल्चिंग कहते हैं। इसके साथ साथ जो नई प्रौढ़ हैं उसके बाद निकलेंगी, उसमें आपको अगस्त के महीने में दोबारा से फूल मिलेंगे, और इस समय आप देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे फल हमारे इधर लगे हुए हैं। ये वो सर्दियों की फसल है जिसमें ना किसी तरीके की रोग की जरूरत पड़ती है, ना किसी तरीके की बैगिंग की जरूरत पड़ती है, ना किसी तरीके की फ्रूट थिनिंग की जरूरत पड़ती है, ना कोई कीटनाशक के प्रयोग करना पड़ता है, और हमारी नेचुरल तरीके से जिसको बगैर किसी रसायन मुक्त खेती कहते हैं, उस रसायन मुक्त खेती की तरह अमरूद का प्रयोग कर सकते हैं और अमरूद की फसल ले सकते हैं। इसके आपको किसान भाइयों को रेट भी अच्छे मिलेंगे। कोरोना काल के बाद से ही देश के फ्रूट मार्केट में अमरूद की मांग तेजी से बढ़ी है, और इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से अमरूद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों के लिए ऋण की भी उपलब्धता कराई गई है। तो आइए जानते हैं कि किसानों को अमरूद के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, अयोध्या, ललितपुर, झांसी, बरेली और मेरठ जिले का स्थान अमरूद उत्पादन में आगे है। प्रदेश सरकार इन जिलों के किसानों को अमरूद की पैदावार बढ़ाने के लिए लगातार प्रेरित कर रही है। सरकार प्रदेश में अमरूद के नए पेड़ों को भी लगाने के लिए किसानों की मदद कर रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल, बीना आदि में भी अमरूद बहुतायत में होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार आदि प्रदेशों में भी अमरूद होता है। सरकार का हर संभव प्रयास है कि किसान अमरूद की पैदावार की ओर बढ़े और बेहतर मुनाफा प्राप्त करे। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अप्रैल जनवरी 2021-22 में अमरूद का निर्यात बढ़कर 20,09,000 अमेरिकी डॉलर हो गया, जो अप्रैल जनवरी 2013-14 में 5,08,000 अमेरिकी डॉलर था। भारत ने अमरूद के निर्यात में वर्ष 2013 से लेकर अब तक 260% की वृद्धि दर्ज की गई। कोरोना काल
के बाद से अमरूद की मांग में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई, जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत से ताजे फलों के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ताजे फलों के प्रमुख निर्यात स्थलों में बांग्लादेश, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, नेपाल, ईरान, रूस, सऊदी अरब, ओमान और कतर शामिल है। तो आज आपने जाना कि अमरूद उत्पादन से आय बढ़ाने के लिए सरकार किस तरह किसानों को जागरूक कर रही है। इसी के साथ आज के कृषि विशेष में बस इतना ही। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishivishesh@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि विशेष में आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।